का किया उद्घाटन। गोरखपुर में पीएम मोदी के सामने सीएम योगी बोले, पूर्वी यूपी का सपना साकार हो रहा। इराक के दक्षिणी शहर में अस्पताल के पास गार बम विस्फोट में 4 लोगों की मौत और 20 हुए घायल। आगरा में प्रशासन की लापरवाही आई सामने, विदेशी पर्यटकों का रिकॉर्ड खंगालने में जुटा प्रशासन। हमीरपुर में दरोगा की अमानवीय हरकत, महिला से अश्लीलता करने का आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर के दौरे को देखते हुए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभावित दौरा हो रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी। मुख्यमंत्री आगमन के चलते जहां सुबह से ही जिले और मंडल के अधिकारी रेलवे ग्राउंड जाकर जायजा ले रहे हैं, वह प्रशासन मैदान समतलीकरण के अलावा हेलीपैड बनाने की तैयारी करने में जुट गया है। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा कायम करने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सहारनपुर दौरे पर जाएंगे 8 दिसंबर को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जहां वो कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री मानकमाऊ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उनके दौरे से पहले पूर्व विधायक राजीव गुंबर ने बताया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर आ रहे हैं, जो मानकमऊ में निर्माणाधीन बस स्टैंड के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पूरे हुए विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने वाले और कार्यकर्ताओं की चिंता करने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी कल सहारनपुर आ रहे हैं। उनके द्वारा सहारनपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर एक आगाज रैली का आयोजन किया जा रहा है, तथा जो भी विकास कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा के विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे हैं, उन सबका एक लोकार्पण का कार्यक्रम और शिलान्यास का कार्यक्रम गंगा रोड स्थित मैदान पर किया जाएगा। निश्चित रूप से आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का आना हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्साहवर्धन का काम है, और उनके द्वारा जो भी काम आज उत्तर प्रदेश में किए गए हैं वो समस्त भारतीय जनता पार्टी के इत्यार्थ में और जनता के हितों के। चंदौली में सिपाहियों की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व सांसद और राष्ट्रीय सचिव ने एसपी से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व सांसद ने सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार न करने की अपील करते हुए कहा कि पुलिस जो भी कार्रवाई करे जांच करने के बाद करे। आगे पूर्व सांसद ने कहा कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक के बाद रखने का अधिकार हमारा भी है। देखिए, जो कल हुआ था उसमें पुलिस की गलती है, और उसके बाद भी पुलिस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। मैं गया था कहने के लिए, तो वो लोग 150 बिना नाम के केस किए हैं, तो मैंने कहा कि अगर आपको जरूरत हो तो 150 अकेले ही हम लोग पूरा कर देते हैं, ले लो 150 कर लो, और जो नहीं रहा है उसको भी प्रताड़ित करने का काम हो रहा है, जो रहा है उसको भी प्रताड़ित करने का दलदल का माहौल बना के रखे हैं। जिला में न खाद मिल रही है, धान का सीजन है, धान लोगों का जिसको 300 क्विंटल हुआ है उसको एक महीना इंतजार करना पड़ रहा है 100 क्विंटल लेने का काम कर रहे हैं, बिचौलियों का हजार क्विंटल ट्रक का ट्रक लेने का ये लोग काम कर रहे हैं। कप्तान साहब से उस घटना के संदर्भ में बात करने आए थे, बात हुई है, उनको उन तथ्यों से भी अवगत कराया गया जिन तथ्यों के चलते इस तरह की घटना उत्पन्न हो गई है, उसको बताया गया। गिरफ्तारियाँ हो रही है क्या अगला स्टैंड रहेगा? उन्होंने कहा गया कि गिरफ्तारियाँ अभी न किए जाए, और वो जो भी होगा उसकी जांच पड़ताल के बाद हो। इस घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं आप, वरिष्ठ नेता हैं सपा के, किस तरह का क्या समस्या रही, कहाँ गलती हुई? देखिए, इस जनपद में खाद की जरूरत है, इस जनपद में किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा था, इस जनपद में तमाम समस्याएं हैं। दो दो तीन
संभल में आयुष्मान सेवा फाउंडेशन के बैनर तले नगर पंचायत की सूरजमुखी इंटर कॉलेज से सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सराहनीय सेवा देने वाले नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी सम्मानित किए गए। कोरोना महामारी के दौरान सराहनीय स्वास्थ्य सेवा देने वाले डॉक्टर मनोज चौधरी आयुष्मान सेवा फाउंडेशन ने प्रशस्ति पत्र और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल ने संस्था के बारे में बताते हुए कहा कि संस्था ने कोरोना काल में राशन को लेकर खाने के पैकेट तक जरूरतमंदों को वितरण किए। आगे उन्होंने कहा कि आयुष्मान सेवा फाउंडेशन ने अनाथ शवों का अंतिम संस्कार कराने का पुण्य काम भी किया है। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता विष्णु जायसवाल की पिटाई के मामले में दीवानी न्यायालय पर अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और देवरिया कोतवाल अर्जुन सिंह और सदर एसडीएम सौरभ सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग पर अड़े हैं। अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रशासन की तानाशाही रवैया हम चलने नहीं देंगे, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो मारा पीटा गया वहाँ सुभाष चौक पे और जिन लोगों ने मारा है और जिनके सहयोग से मारा है, एसडीएम ही वहाँ मौजूद थे, उनके सह पर ही उन्होंने मारा पीटा है। जब तक वो यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो जाता और उन लोगों के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत नहीं हो जाता है, तब तक हमारा यह हड़ताल चलता रहेगा। प्रशासन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताया कि बिस्वर जसवाल को कोतवाली में नहीं ले जाया गया, सीसीटीवी फुटेज में नहीं आया। सीसीटीवी फुटेज को वे लोग बिगाड़ भी सकते हैं और कभी भी आप जानते हैं कि सीसीटीवी फुटेज के सामने न तो वो मारते पीटते हैं और न ही उनको ले जाने का उनका ले जाने का तरीका और है। उधर से मंदिर के तरफ से वो उनको प्रवेश करा सकते हैं जहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं है, तो किसी तरफ से ले जाकर के और उनको मारा पीटा गया है, ये सत्य है। उनके बदन पर चोट है और उन लोगों ने मारा पीटा है, जिससे साबित होता है कि उन्होंने 3 लोगों को सस्पेंड किया है और लाइन हाजिर किया है। इससे प्रतीत होता है कि उन्हीं लोगों ने मारा है, जिनके सहयोग पर मारा है एसडीएम के सहयोग से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। जो आपके खिलाफ प्रशासन ने बताया है कि आपने सारा आरोप लगाया, सारा बेबुनियाद है, मैं ये कहूँगा कि कोई भी पुलिस वाला चाहे कोई भी शासन प्रशासन का आदमी जब किसी को लेके जाएगा और जो है वो भी जान। सहारनपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने 11 दिसंबर को आयोजित वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रचार प्रसार के लिए दीवानी न्यायालय के विश्राम कक्ष में समक्ष प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए ये मोबाइल वैन 4 दिन तक पूरे जिले में प्रचार प्रसार करेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को किया जा रहा है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत। तो समस्त भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है, इसी तरह यहाँ सहारनपुर में भी जनपद स्तर पर एवं सभी तहसीलों में तालुकाओं में सभी जगह इसका आयोजन किया जा रहा है और इसी के प्रचार प्रसार राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए ये मोबाइल वैन पूरे ज़िले में 4 दिन तक राष्ट्रीय लोक अदालत में होने वाले जिस प्रकार के वादों का निस्तारण किया जा सकता है उसके संबंध में। फतेहपुर के हुसैनगंज छिबला कस्बे में बने जनता इंटर कॉलेज के मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें गीत और रैली के माध्यम से छात्र छात्राओं ने मतदाताओं को जागरूक किया। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर स्वीप प्लान के बैंड बाजा के साथ पूरे कस्बे में छात्र और छात्राओं ने शिक्षकों के साथ रैली निकाली। आगरा में ओमिक्रॉन वेरिएंट अलर्ट के बीच बड़ी लापरवाही देखने के लिए मिली है, जहां 45 विदेशी पर्यटकों से अब तक संपर्क नहीं हुआ। इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। विदेशियों की तलाश में स्वास्थ्य विभाग और LIU की टीम भी लगी हुई है, जबकि CMO के कहना है कि 56 देशों से आए यात्रियों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। ये चूंकि इंटरनेशनल ट्रेवलर्स का डेटा हमें शासन स्तर पर मिलता है और वो डेटा हम लोग ICC के माध्यम से उसको ट्रैक करते हैं, उसको सर्वेलांस पे रखते हैं। हमारी RRT की टीम्स उन विदेशी पर्यटकों का सैम्पलिंग और जांच वाला कार्य करती हैं। विगत 1 दिसंबर से जो नए प्रोटोकॉल के अनुसार समस्त अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का सैम्पलिंग की जा रही है एयरपोर्ट पर,
उसके अतिरिक्त हम लोग ने पिछले नवंबर माह के समस्त जितने भी हमारे विदेशी पर्यटक आगरा में आए उनको ट्रैक करने के लिए हमने सारा डेटा 100% हम लोग 100% उनके बारे में जाने और उनको हम लोग ट्रैक करें कि किसी भी तरह का संक्रमण बाद में अगर निकलता है तो हम लोग अपने कॉन्टैक्ट को टेस्ट कर पाएं और 100% उनकी सैंपलिंग कर पाएं। लेकिन इसमें देखा गया कुछ 45 के आसपास लोगों का मोबाइल नंबर इंटरनेशनल मोबाइल नंबर था जिसकी वजह से वो हमें ट्रैक नहीं हो पाए और बाकी को हम लोग फिर होटल में जाकर उनको ट्रैक किया है और कोशिश यही की है कि हम लोग 100% लोगों के पास पहुंचे और संक्रमण की स्थिति होने पर हम लोग ने ये होटल मालिकों को होटल एसोसिएशन के माध्यम से ये जरूर निर्देशित किया गया है जिलाधिकारी महोदय की तरफ से कि सब लोग अपने एक गूगल फॉर्म लिंक पे अपने आने वाले विदेशी पर्यटकों की सूचना हमें दे जिससे हम ICC के माध्यम पर उनसे हम लोग अपना संपर्क स्थापित कर सकें और उनके ऊपर विशेष अपना सर्विलांस कर पाए। इसके अतिरिक्त अगर कोई बीमार होता है उसकी भी हम लोग सूचना प्राप्त करने की प्रयास कर रहे हैं। हमारे IDSP और जो हमारी RRT टीम्स हैं ये दोनों इसमें सघन कार्य कर रही हैं और हम लोग इसमें लगे हुए। औरैया में समाजवादी पार्टी की अब महिलाओं को बूथ स्तर की जिम्मेदारी दी गई है। इसको लेकर औरैया में समाजवादी पार्टी की महिला गोष्ठी की गई जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महिला मोर्चा के प्रदेश सचिव अनीता यादव पहुंची और इस सम्मेलन में कहा गया कि समाजवादी पार्टी में महिलाओं की संख्या बहुत कम है, इसके लिए महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। इस दौरान अनीता यादव ने कहा कि महिलाओं को हर बूथ पर कम से कम 5 महिला कार्यकर्ताओं की तैनाती की जाएगी। बैठक का उद्देश्य हमारा जो है तो हमारे बूथ पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है, प्रत्येक बूथ पर कम से कम 5 महिलाओं की तैनाती का हम लोगों का उद्देश्य है जिससे कि हमारी महिला टीम संगठित होकर के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके, क्योंकि BJP के महिला संगठन बहुत जोरदार है और वो लोग हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। हमारे पास महिलाओं की टीम बहुत कम थी, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये किया है कि प्रत्येक बूथ पर कम से कम 5 महिलाएं अवश्य होनी चाहिए, इसीलिए संगोष्ठी कार्यक्रम किया गया है जिससे कि हमारी बहनें थोड़ा जागरूक हो आगे आए और वो अपना बूथ स्तर। अब खबर आगरा से है जहां पिनाहट में बाइक रैली निकाली गई और रैली निकालने के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र अर्दिमन सिंह और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव सिंह के बीच कहासुनी हो गई जिसके कारण समर्थकों ने दोनों ओर से जमकर पथराव और नारेबाजी की। इस पत्थरबाजी की वजह से करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मऊ में 12 साल पहले घोसी कोतवाली के भिकारीपुर में पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर कई लोगों में हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है, साथ ही तीनों अभियुक्तों पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। थाना घोसी का मामला है, एक गाँव भिखारीपुर है, 2009 में 18/3/2009 को ये किया गया वादी मुकदमा। मृतक का पुत्र है तुलसी गुप्ता, उसके द्वारा थाने में तहरीर लिखाई गई कि उसके पिता खाना खा करके और गांव के शिवानी में ट्यूबवेल स्थित थे वहीं गए थे सोने और अभियुक्त गण द्वारा उसी जमीनी रंजिश को लेकर के और रंजिशन उनकी हत्या कर दी और उसी के बगल में 25 मीटर की दूरी पर पब्बर सोए थे, इनको अभियुक्तों को लगा कि इन्होंने घटना देख लिया है उसी उसको उससे बचने के लिए कि ये जा करके शो कर देंगे बता देंगे उनकी भी हत्या कर देंगे। तो डबल मर्डर का ये केस था जो जिसका परीक्षण जो है यहाँ अपर न्यायाधीश FTC फर्स्ट माननीय रामराज द्वितीय के न्याय। खबर फरुखाबाद से है जहां जिला अस्पताल लोहिया की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल बुखार से पीड़ित एक मरीज जिसके परिजन भर्ती कराने के लिए लोहिया अस्पताल लाए थे लेकिन मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिली और अस्पताल में स्टाफ ने मरीजों को छूने भी मुनासिब नहीं समझा, इस बात से परिजनों में आक्रोश दिखाई दिया। अलीगढ़ में सुरेंद्र नगर में दबंगों ने पुलिस के साथ पहुंचकर पीड़ित महिला के मकान का गेट खुलवाया जिसके बाद पीड़ित महिला को घर से बाहर निकालकर दबंगों ने पुलिस के सामने मारपीट की जिसमें पीड़ित महिला के बेटे को भी पीटा गया जिसमें पीड़ित महिला को गंभीर चोटें आई हैं। जब पुलिस ने महिला की खराब हालत देखी तो बीच बचाव कराया जिसके बाद पीड़ित महिला थाने पर FIR दर्ज कराने पहुंची
तो पुलिस मामले को टालती रही, लेकिन जब महिला के बेटे ने पुलिस की वीडियो बनाकर फेसबुक पर वायरल कर दी तब जाकर FIR दर्ज हुई। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद नजर आए हैं। पीटा गया है, जब परिवार इस पे FIR दर्ज कराने पहुंचा तो पुलिस वालों ने FIR दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें पीड़ित महिला को गंभीर चोटें आई हैं। जब पुलिस ने महिला की खराब हालत देखी तो बीच बचाव कराया, जिसके बाद पीड़ित महिला थाने पर FIR दर्ज कराने पहुंची तो पुलिस मामले को टालती रही, लेकिन जब महिला के बेटे ने पुलिस का वीडियो बनाकर फेसबुक पर वायरल कर दी तब जाकर FIR दर्ज हुई। अलीगढ़ के दादो थाना क्षेत्र के एक गांव में 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति के एक घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी की चीख पुकार सुनकर परिवार वाले आ गए और आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपी को जेल भेज दिया है। एक किशोरी है, 14-15 वर्ष की है, उसके रिश्ते में ही कोई है, पड़ोसी है, 60 वर्ष का बुजुर्ग है और उसने बलात्कार करने का प्रयास किया या किया है। मेडिकल के लिए हमने किशोरी को भेज दिया है और अपराधी जो अभियुक्त है उसको पकड़ के उचित धाराओं में जेल में भेज दिया। एक किशोरी है। खबर हमीरपुर से है, जब बिवारा थाने के दरोगा राम लोटन पांडे ने एक महिला को लालच देकर दुष्कर्म करना चाहा। उसने महिला के साथ फोन पर अश्लील बातें की और जब युवती ने उसकी बातों की रिकॉर्डिंग कर ली तो दरोगा ने महिला का फोन छीन लिया और वहीं पीड़ित युवती ने दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। महिला से अश्लीलता करने का एक आरोप सामने आया है। खबर हमीरपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जब दरोगा की अमानवीय हरकत सामने आई है। महिला से अश्लीलता की बातें करी और उसके बाद ये पूरा मामला। खबर हमीरपुर से है, जहां बिवारा थाने के दरोगा राम लोटन पांडे ने एक महिला को लालच देकर दुष्कर्म करना चाहा। उसने महिला के साथ फोन पर अश्लील बातें की और जब युवती ने उसकी बातों की रिकॉर्डिंग कर ली तो दरोगा ने महिला का फोन छीन लिया, वहीं पीड़ित युवती ने दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो ब्रिजेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर क्या है पूरा मामला? जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला बीमार थाने में तैनात दरोगा है, जिनका नाम राम लोटन पांडे बताया जा रहा है। इसी थाना क्षेत्र की एक महिला ने क्षेत्राधिकारी को तहरीर सौंपते हुए इन पर गंभीर आरोप लगाए। इन पर आरोप है कि इन्होंने महिला को फोन पर अश्लीलता करी और अश्लीलता करने के बाद में इनसे जो है एक रात की सौदेबाजी करनी चाहिए, जिसके बाद पीड़ित महिला ने जब दारोगा की रिकॉर्डिंग कर ली अपने फोन में तो दारोगा बाबू ने महिला को बुलाकर इनका फोन छीन लिया, जिसके बाद महिला क्षेत्राधिकारी के पास पहुंची है और दारोगा के खिलाफ तहरीर सौंपते हुए दारोगा पर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग करी है। जबकि पुलिस का इस संबंध में कहना है कि महिला तनकी कैद की है और क्रोधी है, जिसकी वजह से महिला दारोगा पर गंभीर आरोप लगा रही है। जी ब्रजेश, क्या दारोगा पर पहले भी ऐसे कोई आरोप लग चुके हैं? जी नहीं, ऐसे अभी तक कोई मामले प्रकाश में नहीं आए हैं। हालांकि इस पूरे मामले का SP ने संज्ञान लिया है और क्षेत्राधिकारी को जांच करने के निर्देश दिए हैं अभी। जी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। लखीमपुर खीरी मितौली थाना क्षेत्र के भीकमपुरा नहर के पुल पर ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पुल के नीचे गिर गई। वहीं ट्रक चालक की हालत गंभीर होने की वजह से पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। ललितपुर में मोड़ावरा थाना क्षेत्र के धारा गांव एक युवक का शव संदिग्ध हालत में नीम के पेड़ के नीचे लटका मिला। दरअसल मोड़ावरा थाना के अंतर्गत धवा गांव से 1 किलोमीटर दूर स्थित बड़े तालाब के पास खड़े नीम के पेड़ पर अपने ही लोबर पेंट के सहारे से
युवक का शव लटकता मिला। वहां खेतों में पानी लगा रहे किसानों ने मामले की जानकारी गांव वालों को दी, जहां गांव में जानकारी होते ही मौके पर काफी संख्या में लोग एकत्र हो गए। उसके बाद मृतक के परिवार और पुलिस के मामले की सूचना दी गई। मृतक के पिता आलम बरार ने पुलिस को बताया कि हमारा लड़का और बहू के बीच विवाद को लेकर 4 दिन से घर नहीं आया था। यूके से दुबई होते हुए लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा यात्री पाया गया कोरोना पॉजिटिव, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर युवक की रैपिड आरटीपीसीआर रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकलने पर उसे आनन फानन में लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद यात्री की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाले में जुट गया है स्वास्थ्य विभाग। आज सुबह हमें जानकारी मिली कि एयरपोर्ट पे एक पॉजिटिव केस मिला, क्योंकि लोकबंधु अस्पताल यहाँ एयरपोर्ट के नज़दीक था और हम लोगों ने पहले से व्यवस्था कर रखी है, तो उस सिलसिले में आज सुबह हमारे पास वो पेशेंट आए हैं। वो बिना किसी लक्षण के हैं, एसिम्प्टोमेटिक जिसको कहते हैं, लेकिन आरटीपीसीआर में उनका पॉजिटिव आया। जो एयरपोर्ट पे सघन जांच अभियान चल रहा है उसके तहत उनका पॉजिटिव मिला है, तो बाकी जो उनके इर्द गिर्द वाले लोग होंगे उनका भी सैंपल लिया गया है और इनका सैंपल KGMU के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है CMO ऑफिस की ओर से, और जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो ठीक ठीक ये पता चलेगा कि नया वेरिएंट है या पुराने। शाजापुर की परार पुलिस ने जिला बदर अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा भी बरामद किया गया, जबकि पुलिस ने गांव अस्तोली तिराहे से जिला बदर आरोपी राम रहीस उर्फ रहीश पाल को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के खिलाफ कई थाने में मुकदमे दर्ज थे। 6/12/21 को थाना प्रोर पुलिस टीम द्वारा ग्राम अस्तोली तिराहे से जिला बदर अभियुक्त राम रहीश पुत्र राम प्रसाद निवासी राम ककोड़ा थाना प्रोर जनपद शाहजहांपुर को 1 अदद तमंचा 12 बोर व 1 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसके संबंध में थाना प्रोर पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट के अनुसार मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।